उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। कोई समस्या नहीं मनरेगा सर, कोई नहीं। अब आगे काम नहीं चलेगा तब समस्या आएगी। हमारी दिहाड़ी पूरी है, सब कुछ मिल गया, लेकिन हमारे गांव में पानी की समस्या है। पंपिंग योजना पानी की है, वो समस्या है। जय उत्तर मुंडे में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर कलजीखाल ब्लॉक सभागार में आज प्रधान संगठनों ने मनरेगा कर्मियों की हड़ताल का समर्थन किया और जल्दी हड़ताल का निस्तारण करने की मांग को लेकर सरकार एवं शासन से मांग की। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद रावत के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी सत्य प्रकाश भारद्वाज को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मनरेगा के अंतर्गत दिए गए कार्यों को कुशल श्रमिकों के त्वरित भुगतान क्षेत्र में जिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना नियमित जलापूर्ति न अनुचित करवाना, मनरेगा के तहत सीसी मार्गों के कार्यों पर रोक हटवाना, मनरेगा के तहत आवेदन फार्म के साथ एक सप्ताह में रोजगार सेवक कार्य करवाना आदि मांगों को लेकर यह बैठक की गई, जिसमें प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष जसवीर रावत, सचिव सुमित्रा देवी, संरक्षक कैप्टन नरेंद्र सिंह नेगी, मीडिया प्रभारी महाकांत निथानी, रोशन लाल, मदन सिंह रावत, उर्मिला देवी आदि लोग मौजूद रहे। देखिए हमारे सहयोगी जगम डांगी की रिपोर्ट। दूसरी बात मान लेगा कि कोई बात नहीं, अगर कार्य कर रखा है तो वो आएगा, कहीं जाएगा, वो हम निपट लेंगे उस बात से। लेकिन अगर ग्राम सभा का पैसा अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा, जिस भी समय मीटिंग हुई थी शायद कह रहे कि मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पे हैं तो उनका समर्थन करना है, क्या करना उस विषय पे भी है ना। और सर जो पिछली बार हमारा प्रदेश संगठन हड़ताल पे गया था उसका क्या हुआ? कोई समस्या नहीं मनरेगा सर, कोई नहीं। अब आगे काम नहीं चलेगा तब समस्या आएगी। हमारी दिहाड़ी पूरी है, सब कुछ मिल गया हमको, लेकिन हमारे गाँव में पानी की समस्या है। जो पंपिंग योजना पानी की है वो समस्या है, हर घर में पानी नहीं जा रहा है। उन्होंने वो जो पानी का पाइप आपके यहाँ जोड़ा था ना, उसकी शिकायत मुख्यमंत्री लेवल पर 8-10 जो भी हैं उनको उससे कनेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको नहीं जोड़ा जाएगा। वो कह रहा है कि उन्होंने उनको आपके यहाँ जोड़ दिया और वो 40-50 कितने कनेक्शन हो गए, धारी की बात है। तो उससे पानी की पहले 5 असिस्टेंट पोस्टों में जितना मिल रहा था ना, अभी उनको उससे नहीं जोड़ना था। ये भी बिल्कुल यहाँ नए हैं, 4 कर्मचारी ऐसे हैं जो जिनकी अपॉइंटमेंट E19 में हुआ। मैं सबको बोलता हूँ, मेरे पास अभी कम से कम केवल 4-5 प्रधान आए होंगे कि जो, और किसी ने कभी ऐसा नहीं पूछा होगा कि ये एक दो प्रधान जी ये आए, एक भाई साहब आए। क्षेत्र में जागरूक होना बहुत जरूरी है और विशेषकर अध्यक्ष साहब, इसमें बुरे मानने वाली बात नहीं, आपको विशेष जो है रुचि लेनी पड़ेगी और सक्रिय रूप से काम करना होगा। माने अगर आदमी, अगर एक बार आपने मीटिंग रखी है, 2 आदमी आ रहे हैं तो इसका मतलब एक बात है, संगठन है काम। पानी देना है, इस सड़क ठीक करनी है तो पाइप तो ऊपर उड़ रखे हैं, लोग गिरेंगे, घोड़े गिरेंगे, बच्चे गिरेंगे। गाँव में स्कूटी चलती है आजकल, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए सर, इतना विकल्प ढूंढो, व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधान क्या करे, प्रधान गाली सुने गाँव में जाके? लोगों के आप सब सुनता रहेगा कि प्रधान कुछ काम नहीं कर रहे। जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि प्रधान काम नहीं कर रहा, दिहाड़ी नहीं आ रही, लोग तो प्रधान को ही कहेंगे दिहाड़ी नहीं आ रही, लेकिन प्रधान भी क्या करे, कहाँ से दे वो? ये तो ब्लॉक लेवल में ही ढूंढना पड़ेगा, अधिकारियों को ढूंढना पड़ेगा, प्रधान को सहयोग करना पड़ेगा। पूरा नाम ग्राम सभा, मैं ऑनरेबल कैप्टन नरेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान थरूर। आज हमारी ब्लॉक सभागार में प्रधान संगठन की बढ़िया बैठक हुई, जिसमें जो अभी हमारे मनरेगा के जो कर्मचारी हैं विगत लगभग 1 महीने से हड़ताल पे हैं, जिससे कि हमारे जो जितने भी गांव में मनरेगा के कार्य चल रहे थे पूरी तरह से प्रभावित हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार जो है शीघ्र की मांगों को पूरा करे और ये अपने काम करोगे, और हम इनका जो है कि पूरे मनरेगा कर्मचारियों का समर्थन करते हैं, उनके समर्थन में हम कल देहरादून भी जा रहे हैं। ग्राम पंचायत पल्ली मल्ली, प्रधान संगठन उपाध्यक्ष कलजीखाल। क्या दिक्कतें आ रही आज बैठक के संबंध में थी, और मनरेगा से जो कार्य हड़ताल पे हैं कर्मचारी मनरेगा पूरा प्रदेश में, उससे आपके कार्य प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल सर, जो कि मनरेगा द्वारा
हमारे यहाँ क्षेत्र में कार्य किए जा रहे थे, जैसे कि वहाँ स्टॉल निकल रखे थे तो उनकी दिहाड़ी फीड नहीं हो पा रही है, कुशल मजदूर की दिहाड़ी फीड नहीं हो पा रही क्योंकि मनरेगा कर्मचारी आजकल 13 मार्च से 13 फरवरी से हड़ताल पे हैं, जो कि अभी तक हड़ताल पे हैं, जो कि काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है और प्रदेश सरकार अभी उनकी मांगों पर अमल नहीं हो पा रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि उनकी मांगे मानी जाए और उन्हें तुरंत अपने कार्य पर भेज दिया जाए। पूरा नाम मैं प्रमोद रावत, अध्यक्ष प्रधान संगठन कंजीखाल खंड खंड और हम जनपद पौड़ी से। आज किस संबंध में आपकी बैठक हुई है? आज हमारा मुख्य उद्देश्य मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के उपरांत हमारा यहाँ सारे काम का तहस नहस हो गया है। कोई कोई भी किसी भी कर्मचारी को मजदूरी को मजदूरी नहीं मिल पा रही है और पिछले एक साल एक महीने से ये समस्या हो रही है। इसके लिए हमने आज प्रधान संगठन को बुलाया था और सब लोगों ने जोर शोर से आज एक स्वर में ये कहा कि हम मनरेगा कर्मचारियों को समर्थन देंगे और शायद कल हम मनरेगा कर्मचारियों के समर्थन में देहरादून भी जाएंगे। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिनों ते से की समा लीला।